हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर में तीन बड़े शेयर्स हैं, तीन बड़े एफएमसीजी शेयर्स, डाबर इंडिया, मैरिको और कोलपाल। इन तीनों के आज रिजल्ट आए हैं, Q3 नतीजे आए हैं और डिविडेंड भी डिक्लेयर हुआ है। एक ने तो डिविडेंड डिक्लेयर किया, अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर किया। जरा देखते हैं इन तीनों शेयर्स के नतीजे इस छोटे से वीडियो में, देखते हैं, कंबाइन करने की कोशिश करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। मैरिको से स्टार्टिंग करते हैं। मैरिको यानी कि जो नीली बॉटल वाला ऑयल होता है ना, पैरासूट वाला, वो मैरिको लिमिटेड, वो ये कंपनी है। जरा सोचिए, समझिए, इसको पता लग गया होगा आपको। 43,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 337 का प्राइस है। पिछले कुछ टाइम से प्राइस इसी तरीके से अब बिल्कुल मैं कहूँगा करेक्ट हुआ है। और यहाँ पे डेट कम है ज़रूर, 360 करोड़ के आसपास का डेट है। 16% का प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ 6% के आसपास के, डिविडेंड बहुत देता है भाई ये। लेकिन देखें तो 1.41% की डिविडेंड यील्ड है करंट प्राइस के हिसाब से। देखते हैं डिविडेंड कितना दिया है, क्या इस बार भी डिविडेंड दिया है, रिजल्ट कैसा रहा, उन सारी चीज़ों को देखते हैं। सीधे लेके चलता हूँ आपको स्टॉक के रिजल्ट की तरफ। मैरिको जो रिजल्ट आया है वो आज 4:30 बजे के आसपास रिजल्ट आया है, यानी कि मार्केट क्लोजिंग आवर्स के बाद रिजल्ट इसका आया है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से असर रहा होगा इसका मार्केट पे। ये देखिए रिजल्ट मार्केट क्लोजिंग आवर के बाद आया है, उससे पहले ही 2.5% की आज गिरावट देखने को मिली थी। यानी कि जो भी असर इस रिजल्ट का होगा वो कल की डेट में असर करेगा 31 जनवरी को। पहले देख लेते हैं रिजल्ट कैसा आया। सबसे अच्छी बात है, सेकंड इंटरिम डिविडेंड इसने इस फाइनेंशियल ईयर का डिक्लेयर किया है। 3.25 रुपये का इंटरिम डिविडेंड ये डिक्लेयर यहाँ पे किया गया है, 3.25 रुपये का। अगर आप परसेंटेज वाइज देखते हो फेस वैल्यू को, आपको कहेगा कोई 325% नहीं भाई, 3.25 रुपये का है प्राइस। आप देख लीजिए शेयर का कितना है उसके हिसाब से। चलिए भाई, बढ़िया डिविडेंड। अब आगे बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट जो आया है कब आया है, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। रिजल्ट आज मार्केट क्लोजिंग आवर के बाद आया, जैसा मैंने आपको बताया है। टोटल इनकम पे फोकस करते हैं, तो टोटल इनकम से मैं स्टार्ट इसलिए करता हूँ ताकि आप पूरा का पूरा पिक्चर आपको क्लियर हो जाए क्या है। 1883 करोड़ का टोटल इनकम था, ये सारे नंबर्स करोड़ में। यहाँ पे इस बार कितना है, 1853 करोड़ नंबर में। अगर आप देखें सीधे सीधे 30 करोड़ की गिरावट है पूरा का पूरा टोटल इनकम में। एक्सपेंसेस आप देख लीजिए, एक्सपेंसेस में भी इसमें थोड़ा सा कटौती कर रखी है, मतलब फायदा हो सकता है कि एक्सपेंसेस की वजह से, देखते हैं उसको भी कि एक्सपेंसेस की वजह से फायदा होगा या नहीं होगा। फिलहाल मैं प्रॉफिट की तरफ चलता हूँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 341 करोड़ से बढ़ के 358 करोड़ हुआ है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 251 करोड़ से 276 करोड़, 251 करोड़ से बढ़ के 276 करोड़। यानी कि क्लियर कट आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जो टोटल एक्सपेंस में कटौती थी वो यहाँ पे काम आ गई और यहाँ पे इस कंपनी का प्रॉफिट हल्का सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। डिविडेंड भी दिया है, प्रॉफिट भी हल्का सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। टोटल इनकम ने आपने देखी गिरी हुई थी। चलिए ये मैरिको का रिजल्ट आपने देखा, अब चलते हैं अगले रिजल्ट की तरफ, कोलगेट पामोलिव। एक नज़र मैरिको के चार्ट पे भी डाल लेते हैं। अगर मैरिको के चार्ट को मैं देखूँ तो मंथली लेवल पे तो ऐसा लग रहा है बड़ा वाह क्या जंप आया है शेयर में। देखिए जंप डेफिनेटली आया है लंबे टाइम फ्रेम में अगर आप देखो, लेकिन पिछले कुछ टाइम में आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल तीन त्रिमूर्ति आप देख पा रहे हो वीकली चार्ट पे, कि एक 400 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनना था, बन रहा है। देखिए 1, 2, 3 इस हाई को पार नहीं कर पाया तो शेयर में गिरावट आ गई और एक रेंज, बॉटम रेंज को जब इसने नीचे ये तोड़ा, ये 370 की रेंज को, उसके बाद स्टॉक गिरता रहा। अब ये बिल्कुल लोअर रेंज में चल रहा है। अब इस तरीके से इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा तो शेयर में गिरावट आएगी। और डेली टाइम फ्रेम में भी आप देख रहे हो कि स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई शेयर में कमजोरी है। और आज भी कमजोरी देखने को मिली। रिजल्ट में डिविडेंड जरूर दिया है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम है। अब चलते हैं डाबर की तरफ। डाबर का रिजल्ट आज 2 बजे ही आ गया था, मार्केट आवर्स में आ गया था, तो जो भी असर होगा वो मार्केट में ही पड़ गया होगा, वो हम देखेंगे क्या असर पड़ा। फिलहाल पहले रिजल्ट देखिए। डाबर इंडिया के रिजल्ट को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे क्या नंबर्स देखने को मिल रहा है वो देखिए। पहले सीधे सीधे नंबर्स मुझे देखने को मिल रहे हैं भाई, नंबर सारे करोड़्स में हैं। तो 2427 करोड़ की टोटल इनकम, जो कि पहले कितनी थी 2274, मतलब टोटल इनकम पहले से ज़्यादा मतलब बढ़ रखी है इस बार टोटल इनकम। क्लियर कट देख पा रहे हो आप कि टोटल इनकम तो बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। क्या एक्सपेंसेस, लेकिन एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, 1815 करोड़ से 100 करोड़ के आसपास के एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। इसका मतलब ज़्यादा असर नहीं होगा भाई टोटल इनकम का। अब देखिए हम चलते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड सीधे, 367 करोड़ से 398 करोड़ के आसपास के टोटल जो है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखने को मिल रखा है। मतलब इतना पॉजिटिव नहीं है, हाँ जरूर पॉजिटिव थोड़ा सा, जिस तरीके से मैरिको का था उस तरीके से इसका भी है, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि टोटल इनकम भी थोड़ा बढ़ी हुई देखने को मिली थी। बट इन्वेस्टर को ये अच्छा नहीं लगा, इन्वेस्टर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शेयर जहाँ तक माना जा रहा था कि 500 के लेवल के ब्रेकआउट को पार करेगा, लेकिन शेयर तो नीचे गिर गया।
धराशायी हो गया, बिल्कुल आप देख पा रहे हो, बिल्कुल धराशायी हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूं, देखिए डाबर के चार्ट्स पे, ये जो मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ, देखिए ये ट्रेडिंग व्यू वाला व्यू है, और जीरोधा के काइट पे मैं आपको दिखाता हूँ ये चार्ट। आप देख सकते हो कि मैंने सुबह भी इसका बताया था, वीडियो बना के बताया था कि हाँ भाई क्रिटिकल लेवल जो है वो 500 का है, अगर पार होगा तभी एंट्री करना, नहीं होगा तो मत करना। कौन सा ये लेवल बताया था यहाँ पे, 505 के आसपास का जो प्रीवियस हाई बनाया था। देखिए इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, बेसिक चार्ट हमको बहुत कुछ क्लियर कर देता है, और शॉर्टिंग वाले और स्टॉप लॉस जो था वो हमने इस बॉटम पॉइंट पर लगा रखा था कि अगर आप खरीदना चाहते हो तो देखिए सब सब स्टॉप लॉस भी इसने तोड़ा और स्टॉक बिल्कुल नीचे गिरा, और नीचे गिरते ही अगर आप इसमें एक चीज़ देखें कि जो ये लो पॉइंट था वो लो भी टूट गया और भी नीचे लो चला गया, और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास का लो इसका इसने टच किया है, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर रहेगा तो थोड़ा और करेक्शन इसमें आ सकता है, ऑल्दो लास्ट में थोड़ा सा रिकवरी जरूर दिखाई है, बट बड़ी लाल कैंडल है, बड़ी सेलिंग इसमें हुई है, और कल ही कल की कल नहीं 2 दिन से ही इसमें सेलिंग चल रही थी, और रिजल्ट के बाद देखिए किस तरीके से शेयर नीचे लुढ़क गया है। कहीं ना कहीं सपोर्ट की जो रेंज है वो 460 से लेके 450 से 460 की इस रेंज में सपोर्ट मिल सकता है, बट देखते हैं क्या होता है। फिलहाल रिजल्ट इतना अच्छा, इतना इंप्रेसिव रिजल्ट नहीं रहा। ये हमने किसकी बात करी यहाँ पे, डाबर की। डाबर की अगर मैं बात करूँ लास्ट के आवर में, आप देखिए ये देखिए लास्ट के आवर में ब्लड बाथ हुआ है, लास्ट के आवर में ये घंटे देखिए जैसे ही रिजल्ट आया 2 बजे, कितना बड़ा सेलिंग वाला वॉल्यूम था, बहुत बड़ा सेलिंग वॉल्यूम मुझे देखने को मिल रहा है, क्लियर कट। ये इस तरीके से अगर इतना बड़ा सेलिंग वॉल्यूम है तो शेयर में गिरावट हल्का सा पॉजिटिव होकर फिर गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। और जरा एक पॉइंट को समझें, अब आवरली चार्ट में इस पॉइंट को समझें, इस पॉइंट को ध्यान दें, डाउन ट्रेंड की जो पहचान होती है, जो मैं आपको कहता हूं कि भाई डाउन ट्रेंड इस तरीके से चलता है और हल्का सा पॉजिटिव मोमेंटम भी दिखाता है, वो पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया और ये फिर नीचे गया, हल्का सा पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकता है और फिर से अगला डाउन भी हो सकता है, इस चीज़ को समझें। यही यही बेसिक चीज़ है, हल्की सी पॉजिटिव आपको दिखा देता, अरे यार थोड़ा रैली आ रही है लेकिन फिर से नीचे चला जाता है। इसी तरीके से अप ट्रेंड में भी होता है, ऊपर उछलता, हल्का सा करेक्शन होता है, फिर ऊपर उछलता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं जो हमारे पास कौन सा है, कॉलगेट पामोलिप, जिसको हम कह रहे हैं कॉलगेट पामोलिप। डाबर इंडिया का शेयर देखा आपने, 478 के प्राइस तक पहुंच चुका है, 84,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बढ़िया शेयर है नो डाउट, लेकिन रिजल्ट इतना इंप्रेसिव नहीं रहा है। कॉलगेट पामोलिप टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, टूथब्रश, यही सारी चीज़ें बनाता है, 40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये भी ब्लू चिप शेयर है, 1400 का प्राइस है, 0 डेट की कंपनी है, तीनों कंपनी कम से कम डेट है भाई, पैसा है एफएमसीजी में, तो देख सकते हो डिविडेंड भी दे रहा है ये टाइम टू टाइम, लेकिन रिजल्ट कैसा रहा है उसको देखते हैं, फोकस करते हैं। ये देखिए रिजल्ट जो आया आज वो 1 बजे के आसपास ही आ गया था, 1:30 बजे के आसपास ही आ गया था, जो भी असर था वो आज की मार्केट में ही पड़ गया होगा। अब रिजल्ट देखिए, 2 रिजल्ट आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ये तीसरा रिजल्ट है, यहाँ पे हम एक साथ कंबाइन करके आपको दिखा रहे हैं। तो रिजल्ट की मैं अगर बात करूँ, देखिए जिस तरीके से ये नंबर से, ये नंबर सबसे पहले किस में है वो देख लें, ये लैक्स में नंबर है, करोड़ में नहीं है, तो इसको आपको ध्यान देना है। भाई लैक्स में नंबर है तो हम बात करेंगे टोटल इनकम की, तो पिछले साल दिसंबर में जो था 1107 करोड़, इस बार कितना है 1152 करोड़, तो हल्का सा जंप जो है टोटल इनकम, हल्का सा जंप देखने को मिला है, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट रिजल्ट मुझे तीनों को देखने मिले इस बार। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो 281 करोड़ था वो 267 करोड़ है, मतलब प्रॉफिट भी गिरा है। नेट प्रॉफिट देखिए 192 करोड़ से 199 करोड़ हुआ है, हल्का सा मामूली सा जो है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये बिफोर टैक्स था, इसमें हल्का सा मामूली सा जंप 7 करोड़ 8 करोड़ का देखने को मिल रहा है, तो मतलब फ्लैट रहा है। फ्लैट है तो भाई यहाँ पे भी फ्लैट ही देखने को मिले था, उत्तरी तो यहाँ तो 6% गिर गया, इनको तो पसंद ही नहीं आया। देखिए 6% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है, कॉलगेट पामोलिव 1490 पे ओपन हुआ था, 1508 का हाई बनाया था, उसके बाद 1385 का लो बनाया है, देखिए क्लियर कट इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है भाई, बहुत ही बड़ी गिरावट मैं कहूंगा। रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा लोगों को, और आप देखिए तीनों के तीनों शेयर्स का रिजल्ट बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर रहा, और तीनों में अब कल मैरिको ने एक एटलीस्ट डिविडेंड तो तब भी दे दिया, और कॉलगेट पामोलिव का देखते हैं, कॉलगेट कोलपाल जिसको आप कहते हो, ये देखिए क्या कुछ चल रहा था इसमें, जरा हम एनालाइज करते हैं। मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि ये जो है ये मंथली चार्ट है, नवंबर महीने से ही करेक्शन स्टार्ट हो चुकी है मंथली चार्ट पे, और वीकली चार्ट पे उसका असर देखने को मिल रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको भी दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ, देखिए जो शॉर्ट वाला होगा वो कैसे पैसे कमाएगा, ये देखिए बिल्कुल जैसे ही सपोर्ट टूटता है तो शॉर्टिंग वाले पैसे कमाते हैं, और आज की डेट में जैसे कि मैं बेसिक चीज़ आपको बताता हूँ कि यहाँ पे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल ये जो था, ये 1433 का लेवल था वो टूटा है, तो शॉर्ट वाले ने अच्छे पैसे कमाए हैं रिजल्ट आते ही,
और उसको आप देख सकते हो कि ये सपोर्ट जब टूटा है तो मैं आपको लेके चलता हूँ। स्टॉक जो है ऑलरेडी जो है गोल्डन क्रॉस बन चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक में और करेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है, बड़ी गिरावट मैं कहूंगा और स्टॉक 1300 के लेवल पे आ सकता है। अब ये देखिए आवरली चार्ट पे आइए, सपोर्ट यहीं पे टूट चुका था, ये क्लियर कट आप देख पा रहे हो। आवरली चार्ट की अगर मैं बात करूं, ये मेजर सपोर्ट पहले आवरली वाला टूटा, फिर उसके बाद सपोर्ट जो है ये मेजर सपोर्ट यहाँ पे ये वाला टूटा। अब इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाइए, काम की चीज़ है, टाइम फ्रेम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 15 मिनट वाले पे लेके जाता हूँ पहले मैं, क्योंकि जब आप एंट्री लेते हो एग्जिट लेते हो टाइम फ्रेम बहुत काम की चीज़ है, छोटे टाइम फ्रेम में आपको और पिक्चर क्लियर होती है। जो 1433 के आसपास का लेवल था वो ये देखिए हल्का सा पॉजिटिविटी आई फिर गिरा, तो शॉर्ट वालों ने अच्छे पैसे कमाए होंगे इसमें डेफिनेटली आज की डेट में, ये आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे हमने एक साथ तीन स्टॉक्स के रिजल्ट देख लिए, डाबर इंडिया, मैरिको और कॉलगेट पामोलिव, तीनों के रिजल्ट में मैरिको ने थोड़ा डिविडेंड डिक्लेयर किया है, बाकी तीनों के रिजल्ट फ्लैट रहे हैं। मैरिको का डाबर का थोड़ा सा पॉजिटिव रहा था, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर को पसंद नहीं आया, दो मार्केट आवर्स में आ गए थे और एक मार्केट क्लोजिंग आवर के बाद आया है। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।